हेलो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। अब ये भी पिछले क्वेश्चंस की तरह है, जैसे हमने फाइंड आउट करा था कि हमें रेट लॉ फाइंड आउट करना है, और हमें रेट लॉ अगर डिटरमिन द रेट लॉ एंड द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन फाइंड आउट करना है। हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट। और रेट लॉ फाइंड आउट करने का मतलब है कि हमें बेसिकली रिएक्टेंट ए और बी के विद रिस्पेक्ट टू क्या चाहिए? पावर, मतलब ऑर्डर चाहिए। हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास ये चार एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसमें कंसंट्रेशन ए और बी के ऊपर, फिर उसने रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी दिया हुआ है। फिर एक्सपेरिमेंट टू में कि ए को 0.3 रखा, बी को जब 0.2 रखा गया तो रेट ऑफ फॉर्मेशन डी का दिया हुआ है। इस तरह से हमें दिया हुआ है 3-4 वैल्यू दी हुई है। बस इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट का ना देके इसने रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट का दे दिया है। रेट ऑफ रिएक्शन ना लिख के इसने लिखा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दी डी। और यहाँ पे ध्यान से देखो, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ डी इक्वल टू सी इक्वल टू बी इक्वल टू ए होता है। एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम के ऊपर ये सारे रेट ऑफ रिएक्शन आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए, डी का बैलेंस कॉफिशियंट 1 है। अगर आपको पहले भी बताया था, जब बैलेंस कॉफिशियंट 1 होता है तो उस केस में रेट ऑफ फॉर्मेशन एंड रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या होता है? सेम होता है, दैट इज डी ऑफ डी बाय डीटी। ठीक है, डी बाय डीटी डिफरेंशियल हो गया, और ये डी बाय डीटी आपने किसका लेना है? डिफरेंशियल डी का। और बैलेंस कॉफिशियंट यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि बैलेंस कॉफिशियंट यहाँ पे 1 है। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डी या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी और जो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ डी है, दोनों बातें क्या है यहाँ पे? सेम है, क्योंकि बैलेंस कॉफिशियंट 1 है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन डी का होगा वही सी का है, वही बी का है, वही ए का है। तो इसका मतलब, इसे हम मान के चलो कि आपको रेट ऑफ रिएक्शन ये दिया हुआ है इस रिएक्शन का। तो अब हमें ऑर्डर फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू ए और बी, तभी तो रेट लॉ एक्सप्रेशन आएगा। ठीक, अगर मुझे ऑर्डर ए का निकालना है तो बी को कॉन्स्टेंट रखना है। अगर हमें ऑर्डर ए का निकालना है तो बी को क्या रखेंगे? कॉन्स्टेंट रखेंगे। ठीक है, और जब B का ऑर्डर निकालना है तो A को क्या रखना है? कांस्टेंट। समझ आ गई बात? तो पहले रेट लॉ एक्सप्रेशन निकाल लेंगे, फिर उसके बाद हम किसको फाइंड आउट करेंगे? रेट कांस्टेंट को। ठीक, तो अब हम इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इसके सॉल्यूशन को, ध्यान से देखिए। अब हमने सबसे पहले एक जनरल रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख लिया, दैट इज R इज इक्वल टू K इंटू A पावर M B पावर N। मतलब ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A हमने M मान लिया, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी हमने क्या मान लिया? एन। और हमारा एम है रेट लॉ एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना और रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमें ऑर्डर ए और बी का फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ पाएगी। अगर हमें एम और एन पता होंगे तो किसी भी एक्सपेरिमेंट 1 या 2 पे आर की वैल्यू और उसके ऊपर ए और बी की हमने जो भी कंसंट्रेशन रखी है वो वैल्यू डाल देंगे तो रेट कांस्टेंट आ जाएगा। पर पहले हमें क्या चाहिए? ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, और ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर हमने एम माना है, बी के रिस्पेक्ट में एन। अब देखिए, अगर हमें ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए फाइंड आउट करना है तो बी को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डर का मतलब ही यही होता है कि ए की कंसंट्रेशन को चेंज करने पे व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। अब हमने क्या करा? एक्सपेरिमेंट 1 डिवाइडेड बाय 4 करा। एक्सपेरिमेंट 1/4 मतलब रेट 1 को रेट 4 से हमने क्या करा? डिवाइड करा। तो टाइम के साथ या कंसंट्रेशन चेंज होने के साथ किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट तो चेंज होता नहीं, तो रेशो में ये के क्या कर गया? कट गया। अब दोनों जगह पे कंसंट्रेशन बी को क्या रखा गया है? 0.1, तो ये भी कट गई। अब हमारे पास कंसंट्रेशन ए आ गई, तो ए की वैल्यू क्या आ गई? 0.1/0.4। फोर्थ एक्सपेरिमेंट में ए 0.4 है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में 0.1 है। इसी तरह से बी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में 0.1 है और फोर्थ में भी 0.1 है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब हमारे पास राइट साइड में 1/4 रेस टू पावर एम आ गया। सिंप्लीफाई हमने कर लिया, पॉइंट से पॉइंट कट गया। जब हमने R1 और R4 की वैल्यू डाली तो ये 6 × 10⁻³ है, जो कि आप 0.6 कर लोगे। 0.6 / 2.4, 10⁻², से -2 कट जाएगा। आप 6 × 10⁻³ को 0.6 × 10⁻², तो लिख ही सकते हो, उससे 10 की पावर क्या कर जाएगी? कट जाएगी। अब 0.6 को जब 2.4 से कैंसिल करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 1/4 ही आ जाएगा। आपको समझ आ गई बात ये चीज? ठीक है, कि आपने
इसे पावर सेम कर दिया, इसे 0.6 इंटू 10 टू माइनस 2 लिख दिया, ठीक। और नीचे ये 2.4 इंटू 10 टू माइनस 2 है, ये कट जाएगा। और ये 0.6 डिवाइडेड बाय 2.4 कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। अब अगर इनके बेस सेम है तो पावर आप कंपेयर कर लोगे, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर हमारा कितना आ गया 1, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए इज 1। अगर बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है तो हमें ए को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तो हमने सेकंड एक्सपेरिमेंट को फोर्थ एक्सपेरिमेंट से डिवाइड करा, और फिर से टाइम के साथ या कंसंट्रेशन के साथ रेट कांस्टेंट चेंज होता नहीं है, तो के तो कट गया, तो 0.3/0.3 ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0.2/0.4 ये कितना आ गया हमारे पास 1/2, तो 1/2 की पावर n, राइट साइड तो ये फिक्स हो गई। अब लेफ्ट हैंड साइड की कैलकुलेशन देखो, 7.2 इंटू 10 टू माइनस 2 और ये 2.88 इंटू 10 टू माइनस 1। अगर आप इसे देखोगे ध्यान से तो ये 0.072 हो गया और ये 0.288 हो गई, ठीक। और 0.072 को मल्टीप्लाइड बाय 4 करोगे तो एग्जैक्टली ये 0.288 आएगा, यानी कि ये एग्जैक्टली रेशो क्या हो गई 1/4 की। तो 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2 रेस्ट पावर n, बेस सेम है, पावर कंपेयर कर ली तो n की वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी कि b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आ गया 2 और a के रिस्पेक्ट में कितना आया था 1। तो अब हम अगर इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज a के रिस्पेक्ट में पावर कितनी आ गई हमारी 1 और b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आ गया 2। तो ये हमारा क्या हो गया, रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन। अब देखिए, अब हमें फाइंड आउट करना है रेट कांस्टेंट। अब देखिए कैसे करना है, हमारे पास ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है, R इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर m बी की पावर n। अब a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना दिया है 1, b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है 2, तो हमने ये रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख लिया। तो अब देखिए, अब हमने एक्सपेरिमेंट 1 ले लिया, एक्सपेरिमेंट 1 में a की जो मोलैरिटी दी हुई है वो 0.1 है और उस टाइम उसी पे b की मोलैरिटी कितनी दी हुई है 0.1 और रेट की एक्सपेरिमेंट 1 में कितनी दी हुई वैल्यू 6 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 3 वैल्यू दी हुई है, ठीक। अब हमने क्या करा कि जब रेट 6 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 3 है तो a कितना है 0.1, b कितना है 0.1, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन में वैल्यू डाल दी तो हमारे पास रेट कांस्टेंट आ गया सिंप्लीफाई करने पे, ठीक है। अब आप देखो ये ओवरऑल ऑर्डर कितना है, थर्ड ऑर्डर है ये रिएक्शन, तो यूनिट भी तो रेट कांस्टेंट के किसके आएंगे, थर्ड ऑर्डर के आएंगे, ठीक है। तो ये थर्ड ऑर्डर के यूनिट आ गए, मोल माइनस 2 लीटर स्क्वायर मिनट इनवर्स। आपको समझ आ गया ये कैसे करना है, ठीक है। तो अगर आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, देन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड रेफर टू अदर पीपल आल्सो। थैंक यू।